हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाई वीकली कॉन्टेस्ट 114 की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ के डिविजिबल कंपोनेंट्स और इसकी कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको एक ट्री दिया हुआ है। आपका ट्री अनडायरेक्टेड है, यानी कि आप 1 से 3 पर भी जा सकते हो, 3 से 1 पर भी जा सकते हो। नॉर्मली हमारे ट्री में क्या होता है, हमारे पास रूट नोड है, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड इस तरह से होते हैं। लेकिन हमारा ट्री अनडायरेक्टेड है, यानी कि हम 1 से 3 पर भी जा सकते हैं, 1 से 2 पर भी, 2 से 1 पर भी, 3 से 1 पर भी। हमें ट्री के हर एक नोड की वैल्यू दी हुई है, साथ में हमें एक के वैल्यू दी हुई है। हमें बताया गया है कि जो ये वैल्यूज़ हैं, इन सब का सम स्टार्टिंग में के से डिविजिबल है। हमारा एम क्या है, स्टार्टिंग में हमारा ये एक सिंगल कंपोनेंट है। अगर हम इस ट्री को एक से ज़्यादा कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं तो हमें उसे ब्रेक करना है। कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिस भी कंपोनेंट में हम ब्रेक करें वो सारे के सारे कंपोनेंट इस के से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे हमें ये ट्री दिया था, इनकी वैल्यू क्या थी, 18144, 18144। तो स्टार्टिंग में हम देखें 819 413 417 118, 18 हमारा 6 से डिविजिबल है। फिर हमने इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, 420 यानी इनकी वैल्यू क्या थी, 411 यानी इस कंपोनेंट की वैल्यू आई 6, जो कि 6 से डिविजिबल है। और रिमेनिंग कंपोनेंट की वैल्यू क्या आई, 8 + 4 = 12, जो कि 6 से डिविजिबल है। तो हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जितने मैक्सिमम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, उतने कंपोनेंट में हमें ब्रेक करना है और उन कंपोनेंट का काउंट हमें रिटर्न करना है। जैसे इस प्रॉब्लम के लिए हम 2 में ब्रेक कर पा रहे थे तो हमें 2 रिटर्न करना है। नाउ जब भी आपके इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो कि आपको एक सिंगल कंपोनेंट दिया है, आपको उसे मल्टीपल कंपोनेंट में ब्रेक करने का ट्राई करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे इस केस में उस कंपोनेंट की वैल्यू का सम के से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसमें आप क्या करते हो, आप सारे कंपोनेंट्स को ट्राई करने का कोशिश करते हो। जैसे इसमें हमारे कंपोनेंट क्या क्या होंगे, ये 4 ये एक सिंगल कंपोनेंट है, ये 0 ये एक सिंगल कंपोनेंट है, फिर 240 ये एक सिंगल कंपोनेंट है, फिर 3 मेरा एक सिंगल कंपोनेंट है, और फिर 12340 ये मेरा एक सिंगल कंपोनेंट है। आप हर एक सिंगल कंपोनेंट को ट्राई करते हो और देखते हो कि वो कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो आप उसको ब्रेक कर देते हो, अदरवाइज दूसरे कंपोनेंट को ट्राई करते हो। और इस प्रोसेस को एफिशिएंटली करने के लिए आप क्या करते हो, आप लीव से शुरू करते हो। बेसिकली आप पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करते हो। आप स्टार्टिंग में रूट नोड पर आए, फिर आपने देखा इसके लेफ्ट चाइल्ड है तो आप इसके लेफ्ट चाइल्ड पर गए। आपने देखा इसका भी लेफ्ट चाइल्ड है तो इसके लेफ्ट चाइल्ड पर गए। अब देखा कि ये तो मेरी लीफ नोड है, इसके दोनों ही लेफ्ट और राइट नल है, तो आप इस सिंगल कंपोनेंट को ट्राई करते हो, 4 को। इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये किसी कंपोनेंट का पार्ट एग्जिस्ट करेगा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, ये अपनी वैल्यू अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। ये बोलेगा कि मेरी वैल्यू 4 है, इसका अगर यूज़ करना हो तो यूज़ कर लो। फिर ये अपने राइट में जाएगा, इसका राइट चाल है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखेगा क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी वैल्यू 1, 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस केस में ये भी क्या करेगा, मेरी वैल्यू 1 है, यूज़ करना है तो कर लो, मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर आएंगे हम यहाँ पर, ये देखेगा कि मेरे लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, राइट की 1 थी, टोटल कितनी हो गई, 5। और मेरी खुद की वैल्यू क्या है, 1 5 + 1। अगर मैं अपने पर रूटेड सब ट्री देखूँ, 240, तो इसका सम कितना आ रहा है, 6, जो कि 6 से डिविजिबल है। तो ये बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हूँ, मुझे ब्रेक कर दो। और इसको इंडिकेट कैसे करेगा, अपने पेरेंट को 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा कि मैं अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करूँगा, आप इस तरह से रहो कि आपका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली अलग से एक कंपोनेंट में एग्जिस्ट करूँगा। फिर पेरेंट देखेगा, अच्छा मुझे 0 वैल्यू आ गई, मैं राइट में देखता हूँ। राइट में आएगा, इसको चेक करने की कोशिश करेगा, क्या 3 मेरा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसके लिए देखेगा 4 वैल्यू है, 6 डिविजिबल नहीं है। तो ये बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मेरी वैल्यू 4 है, इसको यूज़ कर लो। यहाँ पर देखेगा ये 0 + 4, इसके चाइल्ड की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 4 हो गई, और इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, 8 4 + 8 = 12। ये बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 6 से डिविजिबल है। तो ये 8 और 4 103, ये नोड अपना एक कंपोनेंट बना लेंगे और फिर फर्दर 0 वैल्यू रिटर्न करेंगे। लेकिन अब हमारे ऊपर तो कुछ आई नहीं, तो हमारा रिकर्शन टर्मिनेट हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने रूट नोड से शुरू किया, ट्रैवर्स करते करते हम लीफ नोड पर गए, देखा कि क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता तो अपनी वैल्यू को पेरेंट को रिटर्न कर दो, अगर एग्जिस्ट कर सकता है तो उसका इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बना दो। इस तरह से हमारे सारे कंपोनेंट्स चेक हो जाएंगे और जितने ब्रेक हो सकते होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे इस प्रॉब्लम के लिए हम कितने कंपोनेंट ब्रेक कर पाए, 1 2 2 कंपोनेंट में हम ब्रेक कर पाए, जो कि इसके लिए आंसर हो जाएगा।
नाउ नॉर्मली ट्री में हम क्या करते हैं, हम रूट नोड से शुरू करते हैं, लेकिन हमें दिया है कि हमारा ग्राफ अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड का क्या मतलब है कि अगर मैं जीरो से भी शुरू करूँ, किसी भी नोड से शुरू करूँ, तो भी मैं सारी नोड्स को ट्रेवर्स कर पाऊंगा। जीरो से टू पर जाऊंगा, टू से फोर और वन पर जाऊंगा, वन से थ्री पर जाऊंगा, मैं सारी नोड्स को ट्रेवर्स कर सकता हूँ। तो इस अनडायरेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि हमें स्पेसिफिक रूट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी नोड से अपना रिकर्शन शुरू कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी सारी नोड कहाँ से नंबर है, जीरो टू एन माइनस वन इस तरह से नंबर है, तो हम हर बार क्या करेंगे, जीरो नोड से रिकर्शन को शुरू करेंगे और सारे कंपोनेंट को ट्राई करेंगे, ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक करेंगे, नहीं कर सकते तो उसकी वैल्यू का हम यूज़ कर लेंगे। लास्ट में जब हमारा रिकर्शन टर्मिनेट होगा उस टाइम पर देख लेंगे कि हमारे कितने कंपोनेंट बने हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ वन लास्ट थिंग, नॉर्मली हम रिकर्शन कैसे लगाते हैं, हम डीएफएस लगा सकते हैं, जीरो से डीएफएस लगा सकते हैं। डीएफएस में नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक विजिटेड मैट्रिक्स लेकर चलते हैं। विजिटेड मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है, नॉर्मली हम ग्राफ में डीएफएस लगाते हैं, हमें विजिटेड मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ग्राफ में साइकिल हो और फिर से हम सेम नोड पर आ जाए, तो हमारा रिकर्शन इन्फाइनाइट ना बन जाए, इसलिए हम विजिटेड मैट्रिक्स लेकर चलते हैं। लेकिन ट्री के केस में क्या होता है, आपकी साइकिल तो होती नहीं। जब मैं जीरो से टू पर जाऊंगा तो टू से मैं वन फोर इन पर जा सकता हूँ, साथ में टू का नेबर एक जीरो भी है, तो हम इस पूरे विजिटेड मैट्रिक्स को केवल एक पेरेंट नोड से रिप्लेस कर सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि हम टू पर कहाँ से आए, जीरो से आए तो हमें दोबारा जीरो पर नहीं जाना है, बाकी हम इसके सारे नेबर्स वन और फोर पर जा सकते हैं। सिमिलरली जब हम फोर पर आएंगे तो इसका एक नेबर टू भी होगा, लेकिन हम फोर पर किससे आए, टू से आए हैं। जब हम फोर पर जाएंगे तो फोर के साथ साथ हम एक पेरेंट नोड कि हम टू से फोर पर आए हैं ये पास कर देंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि हमें फोर से वापस टू पर नहीं जाना है। तो आप चाहो तो डीएफएस के लिए विजिटेड मैट्रिक्स भी लगा सकते हो जैसे हम ग्राफ में लगाते हैं, या फिर क्योंकि हमें दिया कि एक ट्री है तो हम ट्री पर डीएफएस कैसे लगाते हैं, केवल एक पेरेंट नोड का यूज़ करके। कोड में हमें ट्री किस फॉर्म में दिया था, हमें एन नंबर ऑफ नोड्स दी थी, हमें वेक्टर की फॉर्म में एजिस दी थी, फिर हमें हर एक नोड की वैल्यू दी थी एक एरे की फॉर्म में। फर्स्ट एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो नोड की वैल्यू, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट नोड की वैल्यू एंड सो ऑन, और साथ में हमें एक के दिया था, हमें के से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एजिस दिया है उससे हम एक ग्राफ बना लेंगे, हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक एज को ट्रेवर्स करेंगे, और क्योंकि हमारी एज अनडायरेक्टेड है तो हम यू से वी और वी से यू दोनों के एडजेसेंसी लिस्ट में पुश कर देंगे, यहाँ से हमारा ग्राफ बन गया। फिर हमें क्या करना है, हमें जीरो नोड से डीएफएस शुरू करना है, साथ में हम पेरेंट नोड, हम विजिटेड की जगह एक पेरेंट नोड का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम बोल देंगे कि जीरो की कोई पेरेंट नोड नहीं है, हम जीरो पर किसी से आए नहीं हैं, हम डायरेक्ट जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, तो जो भी इसके नेबर्स हैं हमें सबको ट्रेवर्स करना है, तो इसलिए हम पेरेंट नोड में -1 पास कर देंगे। साथ में हम एक आंसर वेरिएबल लेंगे जिसमें हम कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर चुके हैं वो स्टोर करेंगे, लास्ट में हम ये आंसर को रिटर्न करेंगे। इसके अलावा हमारा ग्राफ एडजेसेंसी लिस्ट ये पास करेंगे, वैल्यूज़ और के इसको पास कर देंगे। फिर हमारा डीएफएस कैसे रन होता है, एक बार के लिए हम डीएफएस के अलावा जो जो काम कर रहे हैं उसको अगर छोड़ दें तो हमारा डीएफएस कैसे रन होता है। सबसे पहले हम जिस नोड पर आते हैं उसको विजिटेड मार्क करते हैं, लेकिन हम विजिटेड मैट्रिक्स का यूज़ कर ही नहीं रहे, हम पेरेंट नोड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इसके नेबर्स को स्कैन करेंगे। अगर हमारा नेबर पेरेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उससे डीएफएस कॉल कर देंगे। डीएफएस में नेबर और पेरेंट, इस बार हम इस नोड से अपने चिल्ड्रन पर गए थे तो हम पेरेंट में करंट नोड को पास कर देंगे, आंसर एडजेसेंसी लिस्ट वैल्यूज और के हमारा डीएफएस को पास कर देंगे। हमें डीएफएस के अलावा क्या करना था, हमें हमारा कंपोनेंट का सम चाहिए था, बेसिकली इस नोड पर जो रूटेड सबट्री है उसका सम चाहिए था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सम वेरिएबल ले लिया जिसमें हमारी करंट नोड की वैल्यू ऐड कर दी। उसके बाद हमें क्या करना था, जो भी हमारे चिल्ड्रन से रिजल्ट आए, चिल्ड्रन से रिजल्ट क्या आएगा, बेसिकली हमारे रिकर्सिव कॉल का रिजल्ट, जो भी हमारे चिल्ड्रन की वैल्यू रिटर्न में आएगी हम उसको ऐड कर देंगे ताकि हम इस नोड पर रूटेड सबट्री का सम निकाल सकें। इससे हमारे पास सम में इस नोड पर रूटेड सबट्री का सम आ गया। हमें क्या चेक करना है कि क्या वो के से डिविजिबल है, तो हमने चेक कर लिया मोड के इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंडिपेंडेंट बना देंगे, यानी कि एक कंपोनेंट बना देंगे, हमारा आंसर प्लस प्लस हो जाएगा और अपने पेरेंट को जीरो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर ये के से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये अपने सब ट्री के सम रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट को, ताकि उसका पेरेंट इस वैल्यू को यूज़ कर सके। तो सिंपली हमने क्या किया, जीरो नोड से डीएफएस फंक्शन कॉल किया, साथ में हमने विजिटेड की जगह एक पेरेंट नोड ले ली, फिर हमने नॉर्मल अपना डीएफएस लगाया, साथ में हमने क्या किया, जो भी इस नोड पर रूटेड सबट्री है उसका सम निकाला।
इसकी वैल्यू प्लस इसके चिल्ड्रन की वैल्यू, उसको कैसे डिविजिबल देखा, अगर है तो आंसर में ऐड कर दो और जीरो वैल्यू रिटर्न कर दो, अदरवाइज जो भी हमारा सम है वो रिटर्न कर दो। तो इस तरह से हम सिंपल DFS लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, जो हमारे DFS की टाइम वेलोसिटी होती है ऑफ वी प्लस ई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी ऑफ वी प्लस ई, जो भी हमारे DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और वी और ई हमारे क्या है, वी हमारे एन नंबर ऑफ नोड्स, और एजेस भी हमें दी थी एन माइनस वन, एन प्लस एन, यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसमें आ जाएगी ऑफ एन में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी किसमें आ जाएगी ऑफ एन में। थैंक यू गाइस।